के पूरब सराय ओपी थाना क्षेत्र के करबला में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली, जिसमें तीन लोगों को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में आर्मी के जवान चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं इसमें तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसा जानकारी मिली है कि दोनों के बीच कुछ जमीनी विवाद है, उसी जमीनी विवाद के कारण ये झंझट हुआ जिसमें गोली चली, एक आदमी मर गया। उसके बदले में दूसरे पक्ष के लोग चढ़ कर के मारपीट किया, जिसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल जितेंद्र, आपको मेरी आवाज जा रही है? जी गौरव, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताएं क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल रितम्रा, ये पूरा मामला जो है भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है पिता पुत्र सहित जो है तीन लोगों की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक फैक्ट्री से जहाँ हटीसी कर्मचारी जो थे जय जय राम मोसा के पुत्र चंदन साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को भी स्थिति नियंत्रित करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। घटना का कारण जो है बताया जा रहा है कि करबला है, काफी बड़ा फर्क। गौरव, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए, क्या कुछ हुआ था वहां पर जिसमें ये तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? बिल्कुल, घटना का जो कारण बताया जा रहा है करबला है, कासिम बाजार थाना क्षेत्र में। एक करबला में जमीन को लेकर के वहाँ बालू और गिट्टी का कारोबार करता था, वो लेकर के जो है आईटीसी कर्मचारी जय जय राम साह और परमेश्वर चलता आ रहा है, और कल सुबह जो है जमीनी विवाद को लेकर के दोनों पक्ष के बीच जो है मारपीट भी हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है। गौरव, अभी इलाके में क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है अब तक? अभी इलाके में जो है स्थिति जो है सब सही है। पुलिस जो है लगातार जो है कैंप भी कर रही है, और जो दोषी थे जो आर्मी के एक जवान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके द्वारा जो है गोली चलाई गई। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया गौरव। तो आपको बताते चले कि मुंगेर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली, जिसमें तीन लोगों को गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, और इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं।